अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुमताज़ न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हूर फातिमा। आप देख रहे हैं मुमताज़ न्यूज़ HD चैनल। आज की अहम खबर शामिल करते हैं। वहां बिछड़ा सी सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए माजी ने कहा, DPO साहब इस माँ बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। RPO सरगुदा साहब आप भी इस केस पर नजर सानी करें, मुजरिमों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और कार्रवाई की जाए। हम इंसाफ के लिए IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से गुजारिश है कि इस वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर हुक्म दिया जाए और इस केस पर नज़र ज़रूर करें। इस माँ का सवाल है क्योंकि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जिस माँ की इज्जत नहीं, वहाँ दिलेर बेटों का होने का क्या फ़ायदा। जिस माँ के बेटे इतने बड़े ओहदों पर हों पर माँ सड़क पर इंसाफ की भीख मांगने के लिए सड़कों पर निकल आएँ। हमारी गैरत हमें इजाज़त नहीं देती कि माएँ और बेटी सड़कों पर और बेटे दफ्तरों AC में आराम करें और हीटरों वाले कमरों में सुकून से बैठे हैं। मैं RPO सरगुदा से इंसाफ की भीख मांग रही हूं और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब इस वाक़े का नोटिस ज़रूर लेकर इंसाफ दिया जाए। माजी का कहना है कि मेरा और कोई भी नहीं है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब आपके सिवा। बकिया हिस्सा देखिए इस हेड न्यूज़ लाइन के बाद। माँ और बहन की जबानी जी, मुझे पकड़ ले, मैं इधर ही हूँ। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँगा। मेरा कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मेरा नहीं है, मैं किधर जाऊँ अब। सिटी वाले तो बिल्कुल नहीं पूछे, वो तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको इंसाफ दे दिया जाए ताकि दुनिया में भी सुरखुरूर है और आखिर में भी सुरखुरूर है। रहा है हर औरत को जो है अपनी हिफाजत चाहिए। फिर पंजाब पुलिस क्यों खड़ी है यहाँ पे, मियां वाली में खड़ी क्यों है पंजाब पुलिस, खासूसन सिटी पुलिस कोई तरीका करी है? तो हम रोड पर उनको बताएंगे कि क्या रिएक्शन है। पुलिस ने रिएक्शन नहीं किया। आप जो है रोड पर खड़े हैं, पुलिस खड़ी है, पुलिस ने ये